तवांग में चीनी सेना को जब से भारतीय सेना ने पीटा है तब से दुनिया भारतीय सेना को सैल्यूट कर रही, चाहे बात अमेरिका की हो या दुनिया के सबसे बड़े संगठन यूएन की, या फिर बात पाकिस्तानी मीडिया की हो, सबके सब भारतीय सेना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चीन को एलएसी पर झटका देकर भारत के लिए जर्मनी ने स्टैंड ले लिया और कह दिया कि चीन का सामना करने वाला भारत के अलावा कोई देश नहीं। दरअसल ये बयान जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने दिया है और कहा कि अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प चिंता का विषय है और वहां अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। भारत और जर्मनी दोनों देश रूस और चीन के मुद्दों को लेकर एक दूसरे से संपर्क में है। हमारे पास इस घटना को लेकर पूरी जानकारी नहीं, लेकिन हमने जो मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है उससे ये कह सकते हैं कि हम इसको लेकर चिंतित हैं। मैं जो देख रहा हूँ वो हिंसा है, अब पूर्वी क्षेत्र में हिंसा हो रही, मुझे लगता है कि ये एक चिंता का विषय है। हमें अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का उल्लंघन करने से हमेशा बचना चाहिए। चीन का सामना करने वाला भारत के अलावा कोई देश नहीं। वैसे अगर जर्मनी के राजदूत के बयान को ध्यान से समझे तो ये साफ होता है कि भारत चीन से 20 है और चीन को टक्कर देने के लिए दुनिया सिर्फ और सिर्फ भारत की ओर देखेगी और इस बात को अमेरिका से लेकर यूरोप भी जानता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने तवांग में चीन के सैनिकों को पीटने पर अपनी प्रतिक्रिया में भारत की सराहना की। पेंटागन प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा, चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकी सहयोगियों और साझेदार देशों को जानबूझकर उकसा रहा और हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं। हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर तत्पर हैं। भारत की ओर से तनाव को कम करने की कोशिश का हम समर्थन करते हैं। ये तो रही जर्मनी, यूएन और अमेरिका की प्रतिक्रिया, लेकिन चीन ने इसको लेकर जो कहा वो ये दिखाता है कि चीन सिर्फ हवाबाजी कर सकता है और भारतीय सेना दौड़ा दौड़ा कर चीन के सैनिकों को पीट सकती है। चीनी सेना के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि भारतीय सैनिकों ने अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया और चीनी सैनिकों के रास्ते में आए, जिसे दोनों ओर से विवाद बढ़ गया। चीनी सेना ने कहा, हमने पेशेवर तरीके से मानकों के तहत मजबूत जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद सीमा पर हालात सामान्य हुए। खैर कोई कुछ भी बोले, भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को जिस तरह से पीटा उससे एक बात तो साफ है कि चीन को दुनिया में कोई झुका सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।